नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। बड़ी खबर इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर अपनी राय देगी। इस टीम की अगुवाई डॉक्टर सुधीर गुप्ता कर रहे हैं। सीबीआई ने डॉक्टरों की टीम को रिपोर्ट भेजी है जिसमें मिश्रा रिपोर्ट भी शामिल है। रिपोर्ट के विश्लेषण के बाद डॉक्टरों की टीम मुंबई भी जाएगी। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जी मुनीश। जी देखिए, इस मामले में सीबीआई सबसे पहले यह पता लगाना चाहती है कि आखिरकार ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला, और इसी वजह से इसमें जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस से आज जब सीबीआई ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और विश्रा की रिपोर्ट ले ली है तो उसके बाद उन्होंने उस रिपोर्ट को एम्स के 4 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जिसको हेड करेंगे डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनको भेज दी गई है और उनसे पूछा गया है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आखिरकार इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। दूसरा, उन डॉक्टर से ये भी पूछा गया है कि क्या ये पोस्टमार्टम सही तरीके से हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि कई तरीके के सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर लगातार खड़े होते रहे हैं कि उसमें टाइम जो था सुशांत की डेथ का वो उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से किसी आदमी ने अगर आत्महत्या की है तो उसकी बॉडी जिस तरह से रिस्पॉन्ड करती है उस तरह का रिस्पॉन्स सुशांत की बॉडी ने नहीं किया, तो तमाम ऐसे सवाल थे और इसी का जवाब ढूंढने के लिए अब सीबीआई ने ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एम्स के हवाले कर दी, एम्स के डॉक्टर्स के हवाले कर दी। और जैसे ही वो डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके बाद उन्हें मुंबई भी आने को कहा जाएगा ताकि कम से कम वो जगह का मुआयना कर पाए और जिन लोगों ने ये पोस्टमार्टम किया था अगर जरूरत पड़े तो उनसे भी पूछताछ हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।